फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हिट्स कॉलोनी पिलर नंबर 213 राजेंद्र नगर हैदराबाद। आइए नाजिन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि AIMIM पार्टी के सुप्रीमो और हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को लेकर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज जो है 8 दिसंबर है। आज के दिन जो है गुजरात का रिजल्ट था, यानी इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद जो है आज रिजल्ट था जिसमें BJP को भारी कामयाबी मिली है। क्यों नहीं मिलेगी, जबकि BJP का साथ देने वाले इतने लोग हैं जिनकी वजह से BJP बार बार जीत जाती है और BJP के अच्छे कारनामे भी है, BJP को जीतना भी चाहिए। तो बहरहाल इसी के ताल्लुक से जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इनका भी जमहूरी हक था इलेक्शन लड़ने का, ये जाकर गुजरात में इलेक्शन लड़े, लेकिन अफसोस की बात है एक भी सीट नहीं जीत पाए। लेकिन बात उसके जो है असदुद्दीन अवैसी ने शुक्रिया अदा किया गुजरात की आवाम का, जिन्होंने मंजिस के हक में वोट डाला। तो आइए हम आपको दिखाते हैं असदुद्दीन अवैसी क्या कहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुजरात में पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया। 13 विधानसभा असेंबली इंतखाबात में हमारे उम्मीदवार थे, नतीजे आ रहे हैं और हमको कामयाबी नहीं मिली। मगर इसके बावजूद भी हमारे हौसले पस्त नहीं हैं, ना हमको हमारे हौसलों को पस्त होने की ज़रूरत है। हम तमाम ने मिलकर मेहनत की। मैं तमाम वोटरों का जिन्होंने मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गुजरात के हमारे सदर जनाब साबिर काबुलीवाला साहब का, हमारे कॉरपोरेटर्स का, मजलिस के ज़िम्मेदारों का, जो दिन रात मेहनत किए, जो मजलिस के ज़िम्मेदार हैदराबाद, महाराष्ट्र, बिहार से आए, उन तमाम मुंबई से आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, अपनी कमज़ोरियों को दूर करेंगे और आइंदा भी मजलिस को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, मजबूती हासिल करेंगे। मुश्किलात हैं, कमज़ोरियाँ हैं, मगर मुझे यकीन है कि आप तमाम हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे और मैं बिलखसूस जनाब साबिर काबुलीवाला साहब का, उनकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमने सब ने मिलकर मेहनत की। अल्लाह की जो मर्ज़ी है अल्लाह बेहतर जानता है, मगर हमको अपनी मेहनत को जारी रखना है, कोशिशों को लेकर आगे बढ़ना है और इंशाअल्लाह ताला जनवरी के पहले हफ्ते में मैं दोबारा गुजरात को आऊँगा, आप तमाम से ज़िम्मेदारों से मुलाकात करूँगा और हम लोग अपनी मजलिस पार्टी को मजबूत करने के लिए और मुस्तकबिल में उसको और कैसे आगे ले जाना है उसको लेकर जाएंगे। ये आवाम का फैसला है, हम उसकी इज्जत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।